चलिए अब आपको ग्राफिकली समझाने की भी कोशिश करते हैं कि संसद का सुरक्षा चक्र कितना चाक चौबंद है, क्या कुछ लेयरिंग जो है वहां पर की जाती है ताकि कोई सेंध मारी ना हो। इस बीच आपको बता दें कि देखिए सबसे पहले जो है थर्मल इमेजिंग सिस्टम से लैस है संसद। देखिए थर्मल इमेजिंग सिस्टम जो है उससे संसद लैस है। चेहरों की पहचान करने वाले कैमरे भी यहाँ पर लगाए गए हैं, यानी कि सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें 360 डिग्री घूमने वाले ये सीसीटीवी कैमरे हैं जो हर किसी पर निगाहें रखते हैं। इस बीच आधुनिक हथियारों के साथ सुरक्षाकर्मी भी यहाँ पर तैनात रहते हैं। आधुनिक हथियार इन सुरक्षा कर्मियों के पास है। आईडी कार्ड के बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है, नामुमकिन है कि आप संसद परिसर में कदम भी रख ले। कई स्तर पर बैरियर बाड़ और चौकियां भी यहां पर है। देखिए किस तरीके से सुरक्षा घेरा जो है यहां पर कितनी लेयर्स का रखा गया है। सुरक्षा कर्मियों के पास आधुनिक उपकरण भी है। इसके अलावा कई स्तर पर संसद आने वालों की चेकिंग की जाती है, तो कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता है, बार बार चेकिंग की जाती है। लेकिन इस बीच आपको बता दें एक बड़ी खबर इसी पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है। संसद में कूदने वाले दोनों आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस घटना को अंजाम देने के पीछे आखिर आरोपियों का मकसद क्या था। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जा रहा है कि लोकसभा में घुसे आरोपी कितने स्मोक बम्स साथ लेकर आए थे। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपी एक दूसरे को करीब 1.5 साल से भी जानते थे और वो भगत सिंह और अंबेडकर फैन क्लब के मेंबर भी थे। लोकसभा में स्मोक बम के इस्तेमाल की एक घटना तब हुई जब दो लोग नई संसद में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सांसदों के बैठने वाले हॉल में घुस गए। लोकसभा में मौजूद सांसद खौफ से भर गए। जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध एक साथ दर्शक दीर्घा से लोकसभा में नहीं कूदे थे, बल्कि उन्होंने इसकी पूरी प्लानिंग की थी। सबसे पहले एक आदमी दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर से लटका, फिर उसने सदन में छलांग लगा दी और उसके ठीक पीछे दूसरे आदमी ने भी सदन में छलांग लगा दी। दर्शक दीर्घा से दो लोगों के सदन में कूदने से वहां मौजूद सांसद बुरी तरह डर गए। अगले ही पल वहां मौजूद सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़ने के लिए चिल्लाने लगे, क्योंकि उनमें एक संदिग्ध सांसदों के बैठने वाली जगह से कूदते हुए तेजी से सीधे स्पीकर की तरफ बढ़ने लगा। उस वक्त स्पीकर की कुर्सी पर ओम बिरला नहीं बल्कि राजेंद्र अग्रवाल बैठे थे। बताया गया कि स्पीकर की कुर्सी की तरफ बढ़ने के दौरान वो आदमी जोर जोर से नारे भी लगाता रहा। दूसरा तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, वो तो कहीं जहां से पड़ा है तो गिरा या किसी और ने। हमारे पास तो एक ही कब्जे में पकड़ा, जिसको हमने पकड़ा उसने अपने जूते में से निकाला। इस वीडियो को देखकर ऐसा लगा जैसे दोनों संदिग्ध पूरी तैयारी के साथ सदन के अंदर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपियों ने दर्शक दीर्घा में लगे बैरियर को किसी तरह पार किया और फिर वहीं से उन्होंने सदन में छलांग लगा दी। पकड़े जाने से पहले उनमें एक ने वहां कलर स्प्रे किया। बताया गया कि वो उस कलर स्प्रे को अपने जूते में छिपा कर लाया था।